दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो ओपिनियन पोल या जो अंदाजे सही होते हैं वो सट्टा बाजार के होते हैं और लोग विश्वास करते हैं। सट्टा बाजार का इतना जबरदस्त अनुभव होता है, वहाँ के लोग बड़ा अध्ययन करते हैं और एक एक चीज़ का अध्ययन करके आंकड़ा लगाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि सट्टा बाजार के सट्टा के लोगों का अनुमान हमेशा लगभग सही निकलता है। अब देखिए कि टाइम्स अलजबरा ने सट्टा बाजार के अनुसार बताया है कि महाराष्ट्र में बीजेपी को बहुमत मिलेगा तथा कांग्रेस का सफाया होगा। ये टाइम्स अलजबरा ने दिया है। टाइम्स अलजबरा के आपको बता रहे हैं, पहले भी सर्वे बहुत सटीक निकले। अब देखिए, टाइम्स अलजबरा ने बताया है बिग न्यूज सट्टा बाजार प्रेडिक्ट्स महायुथ गवर्नमेंट इन महाराष्ट्र। मतलब बीजेपी की जो गुट की है, बीजेपी, शिवसेना शिंदे और अजीत पवार, जिनका चुनाव चिन्ह घड़ी है, वो उनका बहुमत आ रहा। और ये भी बताया कि महाराष्ट्र में गवर्नमेंट उन्हीं की बन रही है। आपको बता दें, ये भी टाइम्स अलजबरा ने सट्टा बाजार की जो अनुमान बताया है वो बताया है कि महायुद्ध 137 से 152 के बीच में आएगी, मतलब 150 सीटें। और जो महाराष्ट्र में कुल सीटें हैं वो 288 हैं। वहीं पे एमबीए के महाविकास आघाड़ी, जिसमें शिवसेना जो शेष बची है उद्धव ठाकरे वाली, तथा दूसरा एनसीपी का एक गुट जो शरद पवार के साथ रह गया है, हालांकि मेन गुट जो है वो चला गया अजीत पवार के साथ, चुनाव चिन्ह, पार्टी, कार्यकर्ता, उन तीनों का मिला करके 129 से 144 आएगी बीजेपी, 137 से 152। 152 का मतलब हो गया आधे से ज़्यादा, लगभग 60% के लगभग। वहीं अदर को 3 से 8 बताया है। 3 से 8 जो अदर हैं वो भाजपा समर्थक हैं। मतलब कुल मिला करके अगर ये बढ़ जाएगा तो बीजेपी की जो सीटें हैं 160 के लगभग हो सकती। सट्टा बाजार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बीजेपी 83 से 93 सीटें आएंगी। वहीं शिवसेना के लिए 42 से 52 बताई है। ये शिवसेना जो है वो शिंदे की है, जिनके साथ चुनाव चिन्ह है, पार्टी का कैडर है और पार्टी पूरी पूरी, वो 42 से 52। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस वो एनसीपी का जो है, राष्ट्रवादी कांग्रेस का जो बताया, वो 7 से 12 अजीत पवार वाले गुट है। ये सट्टा बाजार का सर्वे। वहीं आपको बता दें SSUBT शिवसेना UBT का 26 से 31 सीटें बताई हैं, कांग्रेस की 58 से 68 सीटें बतलाई हैं। और आपको बता रहे हैं वहीं NCPSP मतलब शरद पवार की 35 से 45 सीटें बताई हैं। ये उन्होंने अनुमान दिया है सीटों का कांग्रेस को। तो टोटल मिला करके जो सीटें हैं महायुत महाविकास आघाड़ी की, वो 139 से 144 के बीच में आ रहे। आपको बता दें सट्टा बाजार का इतना सटीक सर्वे होता है, जबरदस्त आकलन होता है। और यही नहीं, आप देखिए कि महायुद्ध इज लाइकली टू गेट 46% वोट शेयर। ये भी कहा है कि महायुद्ध जो है वो आराम से प्राप्त कर लेगा 46% वोट, वाइल MBA इज गॉट टू 44% वोट शेयर एज पर सट्टा बाजार। आपको बता दें जो सट्टा का होता है वो कभी किसी राजनीति से, किसी भी सरकार से प्रभावित नहीं होते। सबसे बड़ी बात, सट्टा बाजार का बहुत ही सही आकलन होता है और बड़े बड़े लोग उस मार्केट को वैल्यू देते। अब आपको ये भी बता दें वजह क्या है, बीजेपी क्यों आगे उड़े। वहाँ एक नई वजह आ रही कि वहाँ पे जो सबसे बड़े लीडर के रूप में थे वो बाल ठाकरे जी थे। बाल ठाकरे जी का जो रूप आ रहा है या उनकी आवाज़ जो है वो उद्धव ठाकरे प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, और आदित्य ठाकरे, अब वो आवाज़ जो है बिल्कुल उनके सिद्धांतों पे मोदी चल रहे हैं और दूसरे चल रहे हैं योगी और देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस चूँकि एक शांत, उसके इनके ऊपर कोई आरोप नहीं, चीफ मिनिस्टर हैं, तो मराठी समय सबसे ज़्यादा देवेंद्र फडणवीस को मान रहा।
ये एक वजह है कि बीजेपी वहाँ पे इतना बढ़ रही है और आगे बढ़ेगी। दूसरा, योगी के और मोदी की रैलियों से पूरा आप समझ लीजिए इंडी गठबंधन परेशान है कि इतनी भीड़ कैसे उमड़ रही है। यही नहीं, योगी के आने पर आप समझ लीजिए एक मुस्लिम लेडी को भेजा और मुस्लिम लेडी ने बाकायदे पुलिस को फ़ोन करके कहा कि इस्तीफा दे दे, नहीं तो बहुत कुछ योगी के लिए उल्टा सीधा कहा गया। उस मुस्लिम लेडी को जब पकड़ा गया तो योगी ने और मोदी जी ने, योगी ने खुद कहा उसको माफ़ कर दो, घर जाने दो। इससे भी एक फर्क पड़ा है कि देखिए योगी ने अपने दुश्मन को जो उन्हें मारने की धमकी दे रही रिजाइन, उसको भी माफ़ कर दिया। दूसरी आपको चीज़ और बतला दें, अब बात आती सट्टा बाजार की, क्या फैक्ट है, क्या सट्टा बाजार के सर्वे सही होते हैं? बिल्कुल सही होते हैं, और टाइम्स अलजबड़ा जो भी न्यूज़ कलेक्शन करके लाते हैं वो भी बिल्कुल सही होते हैं। मैं टाइम्स अलजबड़ा की आपको कई भविष्यवाणियाँ बता दें, ये आप देखिए, टाइम्स अलजबड़ा ने बाकायदे 27 अक्टूबर को बिग न्यूज़, ये 27 अक्टूबर, बीजेपी लाइकली टू रेस्ट बैक राजस्थान फ्रॉम कांग्रेस आफ्टर 5 ईयर्स एज पर टाइम्स अलजबड़ा राजस्थान प्रेडिक्शन। जब राजस्थान का चुनाव हो रहा था तो बहुत स्पष्ट कहा था कि 5 साल बाद टाइम्स अलजबड़ा ने कि राजस्थान में बीजेपी आ रही है। ये बाकायदे आज भी सब लोग कहते हैं कि टाइम्स अलजबड़ा का कलेक्शन और उनका सर्वे अनुमान बिल्कुल सही, चूँकि वो सभी जगह से, सट्टा बाजार से और वार्ड वाइज सब वो सर्वे करते हैं उनके लोग। ये भी टाइम्स अलजबड़ा ने कहा था एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट कांग्रेस, कांग्रेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी गवर्नमेंट है। हक पॉपुलरिटी ऑफ पीएम मोदी, ऑफ पीएम मोदी की पॉपुलरिटी सबसे ज़्यादा, उनकी गारंटी पे लोगों को भरोसा। सस्पेंस ओवर बीजेपी सीएम कैंडिडेट एंड रिवॉल्विंग डोर टेंड टू डिजर्ट स्टेट हेल्पिंग बीजेपी इन ए बिग, ये बात टाइम्स अलजबड़ा ने कही थी। और देखिए वहाँ का जो राजस्थान की 200 सीटों का जो रिजल्ट आया था, टाइम्स अलजबड़ा ने जो अपना अनुमान दिया था 117 बीजेपी और कांग्रेस 69 अदर 14, यही पोजीशन गई, यही पोजीशन हरियाणा पे टाइम्स अलजबड़ा ने कही थी, यही पोजीशन मध्य प्रदेश की, तो आप राजस्थान का देख ले। इसलिए टाइम्स अलजबड़ा का आंकड़ा बिल्कुल माना जा सकता है। इसके पहले तमाम सर्वे कह रहे थे कांटे की फाइट है और कांग्रेस आगे राजस्थान के लिए, हरियाणा में भी सभी का कहना था कि कांग्रेस आगे है परंतु वहाँ बीजेपी आगे थी। ये टाइम्स अलजबड़ा की और सट्टा बाजार की जो है वो एक सही आंकलन है। अब आपको बताना है किंग सट्टा बाजार का जो है उसका आंकड़ा बिल्कुल सटीक रहता है, बिल्कुल सटीक। सट्टा बाजार ने वोट प्रतिशत को लेकर भी बड़ा दावा किया है, वोट प्रतिशत सट्टा किंग के मुताबिक महायुद्ध को 45.8%, बीजेपी का जो गुट है देवेंद्र फडणवीस और शिंदे वाला अजीत पवार का, उसको 45.8 मतलब 46% वोट मिला, 46। महाविकास अघाड़ी MBA को 44.1 और अन्य को 10.1% वोट मिल सकते हैं, महाविकास अघाड़ी को 44.1%। इसमें कांग्रेस NCP, मगर ये वोट ट्रांसफर नहीं हो रहे एक दूसरे के, दूसरा चुनाव के बाद ये सीटें भी इनकी अलग अलग हो जाएंगे गुट, तो वो सरकार के साथ जाएंगे। उधर आपको बताना शरद पवार ने कह दिया जिसके सीटें ज़्यादा होंगी तो हर सर्वे बीजेपी को ज़्यादा मान रहे हैं, स्वयं शरद पवार मान रहे हैं कांग्रेस, तो इसका मतलब ये उधर मुड़ेंगे। यही नहीं, भाजपा को उन्होंने बताया 26.2% वोट मिल सकते हैं भाजपा को, मतलब इंडिविजुअल, और शिवसेना को 6.8% और NCP अजीत को 2.8% वोट मिलने की उम्मीद है। कांग्रेस को 16.2 मतलब 16% वोट, सिर्फ 16%। शिवसेना उद्धव को 44.2%, NCP को 13.7% वोट मिलने का अनुमान है। अब वहीं एक आ रही समस्या, शिवसेना का जो वोटर है उसके चुनाव चिन्ह को वोट देता है, जब वो देखेगा चुनाव चिन्ह नहीं है तब वो किसको जाएगा, तब उसकी मजबूरी है शिवसेना का वोटर कमल चुनाव निशान में या शिंदे के उस पे दे देगा। यही पोजीशन है शरद पवार की NCP में, जब वो देखेंगे घड़ी कहाँ है, तो पता चला जो शरद पवार का खड़ा हो रहा उसमें घड़ी है नहीं,
तो देखेगा घड़ी किसमें है। तो वो घड़ी को ये चीज समझा पाना मराठियों को बहुत मुश्किल है। मराठी अगर एक चीज तय कर लेता है तो मरते दम तक उसी विचारधारा के साथ रहता। ये सर याद रखिएगा, मराठों ने हिंदुस्तान में कई सल्तनतें बदली हैं, किसी की दास्ता स्वीकार नहीं की। वहाँ पे शिवाजी जैसे लोग, सावरकर जैसे लोग हैं जिनको अंग्रेज नहीं झुका पाए, जिनसे लालायित है। इस समय राहुल गांधी भी सोच रहे हैं माफ़ी मांगूं या ना मांगूं। मतलब उन्होंने एक बयान दे दिया था कि मैं सावरकर की तरीके माफ़ी नहीं, वो उनके लिए काल बना हुआ है, मराठे सब नाराज। अब देखिए दूसरा क्या है, ये तो सब रहा, अजीत पवार उससे भी आगे निकल गए। अजीत पवार ने आज क्या कह दिया सुनिए। अजीत पवार ने कहा महाराज चुनाव पे अजीत पवार का बड़ा दावा। अजीत पवार बोले महायुद्ध को 175 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। अपने ही भतीजे को बड़े मार्जिन से हराने का अजीत पवार का ऐलान। अजीत पवार के दावे ने शरद पवार और MBA ने उड़ाई नींद। उसकी वजह क्या, अजीत पवार ने देखा कि जो भी आ रहा है वो शरद पवार के कार्यकर्ता कह रहा भैया बाबूजी ने कहा था घड़ी, तो हम घड़ी को देंगे। तो अजीत पवार को अपने आप जंप मिल रहा कि घड़ी। दूसरी बात, शरद पवार के सामने समस्या है अपना परिवार। इस समय ये पोजीशन है कि उद्धव को सिर्फ एक चिंता है, मेरे बच्चे का क्या होगा। उधर शरद पवार को चिंता है मेरी बेटी सुप्रिया सुले और भतीजे अजीत का क्या होगा। ये लोग ये एडजस्ट कर रहे हैं। शरद पवार ये भी चाहते हैं एक मेरा बेटा और बेटी में, भतीजे और बेटी में एक केंद्र में हो जाए, एक स्टेट में हो जाए। वो जो है संभावनाएं BJP में लगती हैं। वहीं लोगों का ये भी कहना है इसके बाद ये सब लोग भाजपा में होंगे, ये एक नई बात। वहीं उद्धव ठाकरे का किसी तरह मेरी इज्जत बचा लो, मेरे बच्चे को जिता दो, ये स्थिति है। तो ये भी एक वजह है। इन सब में जो शिवसेना का वोट है वो सबसे ज़्यादा शिंदे को ही मान रहा है, ये सब स्थितियाँ हैं। इन सब के अलावा एक बात और हो गई जो आप समझ लीजिए कि इनके लिए बहुत बड़ा वो हो गया, वो ये हो गया कि राज ठाकरे ने स्पष्ट कह दिया कि भाजपा की का गुट और जो महायुथ है ये आ रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर होंगे, राज ठाकरे ने कह दिया। उधर शरद पवार ने कह दिया जिसके MLA ज़्यादा होंगे वही CM होगा, उन्होंने इशारा दे दिया कि मतलब BJP के ज़्यादा होंगे। तो ये जो स्थितियाँ, दूसरी बात बाल ठाकरे का जो पूरा आशीर्वाद है वो उद्धव नहीं ले पा रहे हैं। दूसरा, उद्धव को जो मुस्लिम वोट मिल रहा था वो मिल नहीं रहा बिल्कुल, मुस्लिम ने तय कर लिया BJP और उद्धव को तो देंगे ही नहीं, हकीकत ये है। मगर उसके अगेंस्ट में जो हिंदू वोट ज़्यादा है वो सब BJP गुट को जा रहा है, BJP शिवसेना अजीत पवार को। तो कुल मिलाकर के जो सर्वे है वो भी सही है, और सट्टा बाजार का एल्जबड़ा का खासतौर से टाइम्स एल्जबड़ा का सही होता है। तो ऐसा जो अनुमान लग रहे हैं, जो प्रूफ मिल रहे हैं, उससे साफ है कि भाजपा वहाँ पे लीड ले गई है। दूसरा, दलित और मराठों का वोट भी चला गया, बैकवर्ड चला गया। दूसरा, टोटल यादव बेल्ट, अन्ना से लेके, अन्ना भी यादव हैं, गवई भी यादव, गवई का पूरा पूरा मोहल्ला आप समझ लीजिए ये पोजिशन है, वहाँ पे सब यादव जो है वो BJP को जा। यही एक वजह है कि BJP की मजबूत स्थिति, BJP की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।